हेलो एंड वेलकम टू मान्य एजुकेशन। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज के लेसन में 20 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शंस होंगे, आपको सही आंसर देना है। यदि आप कोई गलत आंसर देते हैं तो आपको और पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अच्छे नोट्स बनाने चाहिए और बुक्स पढ़नी चाहिए और ज़्यादा इंटरनेट सर्फ करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकें। यदि आपके कोई सवाल हो, आपका कोई डाउट हो या आप मुझे कोई मैसेज लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट वन। पहला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 या 1922। सही जवाब है 1921। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921 में डिस्कवर की गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज। किस काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज या ब्रॉन्ज एज। सही जवाब है ब्रॉन्ज एज, यानी कांस्य युग से संबंधित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वो कांस्य युग में थी। क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं। विच साइट्स वर डिस्कवर्ड फर्स्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी साइट्स सबसे पहले जिनकी खोज की गई, उनके नाम बताने हैं। ऑप्शन है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल या रोपर। सही जवाब है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं। Which of the following site is located in Punjab, Pakistan? पाकिस्तानी पंजाब में निम्न में से कौन सी साइट स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा या राखी गढ़ी। सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा का जो साइट है, ये पहली साइट थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसकी खोज की गई थी। इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में निम्न में से कौन सी साइट स्थित है? ऑप्शन है रोपर, कालीबंगन, हड़प्पा या मोहनजोदारो। सही जवाब है मोहनजोदारो। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को मिलाकर एक चीज देख ली कि मोहनजोदारो जो है वो सिंध में स्थित है और हड़प्पा जो है वो पंजाब में स्थित है। मोहनजोदारो माना जाता है कि सबसे बड़ा सिटी था सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है झेलम, चेनाब, इंडस यानी सिंध या रावी। सही जवाब है रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर सेवन। मोहनजोदारो वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है ब्यास, इंडस यानी सिंध, यमुना या चेनाब। सही जवाब है इंडस। मोहनजोदारो सिंध नदी के किनारे स्थित था और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर एट। व्हाट इज द एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाने वाला समय कौन सा था? ऑप्शन है 2800 से लेकर 2300 बीसी, 2600 से लेकर 1900 बीसी, 2300 से लेकर 1750 बीसी या 2000 से लेकर 1500 बीसी।
सही जवाब है 2300 से लेकर 1750 BC. दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 9. टिल नाउ हाउ मेनी सिटीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक कितने शहर कितने नगर खोजे जा चुके हैं. ऑप्शन से 1056, 1065, 1076 या 1067. सही जवाब है 1056. अब तक 1056 साइट्स प्राप्त हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 10. विच सिटी वॉज द मेजर कॉस्मेटिक एक्सपोर्टर. कॉस्मेटिक एक्सपोर्टर सिटी कौन सी सबसे बड़ी सिटी थी जहां से कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट किया जाता था. ऑप्शन है चानुदारो, लोथल, रोपर या हड़प्पा. सही जवाब है चानुदारो. चानुदारो से कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 11. मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाई. मोहनजोदारो को 1922 में किसके द्वारा उसकी खोज की गई थी. ऑप्शन से आर डी बैनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या फतेह सिंह. सही जवाब है आर डी बैनर्जी. आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी. क्वेश्चन नंबर 12. हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921. बातों बातों में मैंने आपको इसका आंसर ही बता दिया है. ऑप्शन है राय बहादुर दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी या फतेह सिंह. सही जवाब है राय बहादुर दयाराम साहनी. इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी. क्वेश्चन नंबर 13. द ग्रेट बाथ वॉज सिचुएटेड इन. ग्रेट बाथ जो कि महान स्नानागार जो कि बहुत ही प्रमुख जगह मानी जाती है, वो कहां पे मिली थी. ऑप्शन है मोहनजोदारो, कोट दीजी, लरकाना या खिरासरा. सही जवाब है मोहनजोदारो. मोहनजोदारो से ग्रेट बाथ मिला है जो कि प्रमुख रिलीजियस प्लेस मानी जाती थी. क्वेश्चन नंबर 14. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर. सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध थी. ऑप्शन है अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, मशीन्स, इन्वेंशन ऑफ फायर या ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स. सही जवाब है अर्बन सैनिटेशन सिस्टम. अपने साफ सफाई के सिस्टम की वजह से, खासतौर से ड्रेनेज का जो सिस्टम था उसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस थी. क्वेश्चन नंबर 15. द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल इज फाउंड इन. एक कांसे की प्रतिमा मिली है एक डांसिंग गर्ल की, एक नर्तकी की, वो कहां से मिली है. ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, रंगपुर या शिकारपुर. सही जवाब है मोहनजोदारो. ग्रेट बाथ भी मोहनजोदारो में मिला, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल भी मोहनजोदारो में मिला. मोहनजोदारो के बारे में माना जाता है कि यह सबसे बड़ी सिटी थी सिंधु घाटी सभ्यता की. क्वेश्चन नंबर 16 की ओर पढ़ते हैं. लोटेश्वर एक स्थान है, साइट है, कहां पर स्थित है. लोटेश्वर साइट इज सिचुएटेड इन. ऑप्शन है गुजरात, इंडिया, राजस्थान, सिंध या पंजाब. पाकिस्तान के पंजाब. ऑप्शंस थे चार, गुजरात, राजस्थान, सिंध या पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब. सही जवाब है गुजरात. लोटेश्वर जो है वो गुजरात में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 17. कालीबंगन इज सिचुएटेड इन. कालीबंगन कहां पर स्थित है. ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर. सही जवाब है राजस्थान. कालीबंगन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, राजस्थान में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वेर प्लेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. निम्न में से कौन सा खेल सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही प्रसिद्ध था. ऑप्शन है क्रिकेट, लूडो, फुटबॉल या चेस. सही जवाब है चेस. चेस का खेल इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी प्रसिद्ध था. हालांकि एग्जैक्ट आज के जैसा चेस नहीं है वो, लेकिन फिर भी खोज में चेस के जैसा ही काफी सिमिलर गेम
खेला जाता था ऐसा पता चला है। क्वेश्चन नंबर 19, फायर अल्टार्स आर फाउंड इन। फायर अल्टार्स वो जगह होती है जहां पे आग जलाया जाता है खुद को गर्म करने के लिए भी, और वहां पे कुछ खाना वाना भी पकाया जा सकता है। तो फायर अल्टार्स आर फाउंड इन, ऑप्शंस है कालीबंगन, रोपर, कोटबाला या सुरकोटदा। सही जवाब है कालीबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है, यहां पर फायर अल्टार्स मिले थे। क्वेश्चन नंबर 20, द साइट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अमू, जिसे ऑक्सस रिवर भी कहा जाता है या फिर अमू दरिया कहा जाता है, अफगानिस्तान में स्थित है। इसके किनारे, ऑक्सस रिवर या अमू दरिया के किनारे कौन सा साइट स्थित था? ऑप्शन है डैमाबाद, शोरतुगई, धोलावीरा या फरमाना। सही जवाब है शोरतुगई। शोरतुगई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपने सभी के सही जवाब दिए होंगे। यदि आपका कोई आंसर गलत हुआ होगा तो आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है। हमारे लेसन्स को जरूर देखते रहिएगा, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। अगले पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करिएगा और हमारी वेबसाइट manya-education.com इस पर जरूर विजिट करिएगा। मेनू में डाउनलोड्स पे क्लिक करके आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले पार्ट में एक बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।